हेलो फ्रेंड्स, सॉफ्ट टच नीटिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं जो डिज़ाइन लेके आई हूँ बहुत ही आसान और बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। आप इसे लेडीज़ कार्डिगन में डाल सकते हैं, बच्चों के स्वेटर में डाल सकते हैं, जेंट्स स्वेटर में डाल सकते हैं, यानी कि आप इसे अपने किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, 6 फंदों का डिज़ाइन है ये और 2 सिलाइयों में बन के कम्प्लीट हो जाता है। फ्रेंड्स, जब भी आप ये डिज़ाइन डालें, आपने 6-6 के हिसाब से फंदे डालने हैं और 4 फंदे आपने एक्स्ट्रा डालने हैं, यानी कि 6 के मल्टीपल फंदे डालने हैं और 4 फंदे आपने एक्स्ट्रा डालने हैं। फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन कैसे डलता है इसको डालना अब हम शुरू करते हैं। आप इस डिज़ाइन को बॉर्डर के बाद भी शुरू कर सकते हैं या सीधा फंदे डाल के भी शुरू कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला फंदा तो ऐसे ही आएगा, फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे हम उल्टे लेंगे, 1 और ये 2। 2 फंदे उल्टे आए, फिर धागा आगे किया। अब 4 फंदे हम सीधे लेंगे, 1 2 3 और ये 4। फिर धागा अपनी तरफ किया, फिर से 2 फंदे उल्टे, 1 2। धागा आगे की तरफ किया, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4। फिर से धागा अपनी तरफ किया, 2 फंदे उल्टे, 1 2। धागा आगे की तरफ गया, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4। धागा अपनी तरफ किया, 2 फंदे उल्टे और धागा आगे किया और लास्ट वाला सीधा। यहाँ शुरू में भी 2 फंदे उल्टे और लास्ट में भी 2 फंदे उल्टे। पहली रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब दूसरी रो, पहला तो ऐसे ही आएगा, धागा आगे की तरफ करेंगे, 2 फंदे जो यहाँ पे आगे हमने उल्टे लिए हैं उल्टी तरफ में ये दोनों सीधे आएंगे, 1 और ये 2। धागा अपनी तरफ करेंगे ऐसे और ये आगे के ये जो 2 फंदे हैं, 1 और ये 2, इन दोनों को ऐसे पकड़ेंगे और दोनों का पहले 1 करेंगे, 1 किया। इन दोनों को सिलाई से नहीं निकालना है और एक बार ऐसे धागे को सिलाई में ऐसे लपेटना है। ऐसे लपेटा, फिर उन्हीं 2 फंदों के बीच में सिलाई को ऐसे डाला और आगे वाला जो 3रा फंदा है इसमें इसको ऐसे पकड़ा और इससे एक उल्टा फंदा निकाला, 3 फंदे हो गए। इनको फिर सिलाई से नहीं निकालना है, तीनों को, उन्हीं तीनों के बीच में हम फिर से निडल को ऐसे डालेंगे और ये जो चौथे वाला फंदा है इसको हम ऐसे पकड़ेंगे चौथे को और एक उल्टा फंदा निकालेंगे ऐसे, ये उल्टा फंदा। 4 फंदे हो गए हमारे पास, देख सकते हैं आप, 1 2 3 और ये 4। फिर इन चारों को हम ऐसे छोड़ देंगे, फिर धागा ऐसे आगे जाएगा और 2 फंदे सीधे जो आगे की तरफ से हमने उल्टे लिए हैं और उल्टी तरफ में ये सीधे आएंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से इन 2 फंदों को ऐसे पकड़ेंगे, 2 का पहले 1 करेंगे ऐसे, सिलाई से नहीं निकालेंगे। एक बार ऐसे धागे को सिलाई में ऐसे लपेटेंगे, ऐसे लपेटा, उन्हीं 2 फंदों के बीच में फिर से नीडल डाली और जो 3रा फंदा है इसको ऐसे पकड़ेंगे और उल्टे में 1 फंदा और निकालेंगे। इन तीनों को सिलाई से नहीं निकालेंगे और तीनों के बीच में ऐसे नीडल डाल के फिर से 4थे फंदे को हम पकड़ेंगे। तीनों के बीच में नीडल डाली और आगे वाला जो 4था फंदा है इसको ऐसे पकड़ा और 1 फंदा निकाला, यानी कि 4 चाहिए तो हमारे पास 4 हो गए। देख सकते हैं आप, 1 2 3 और ये 4, चारों को ऐसे सिलाई से निकाल दिया, धागे को आगे किया, 2 फंदे सीधे, 1 2। फिर से धागा अपनी तरफ, 2 फंदों को ऐसे पकड़ा, 1 फंदा निकाला उल्टे में, एक बार धागे को ऐसे सिलाई में लपेटा ऐसे, उन्हीं 2 फंदों के बीच में नीडल डाली और अगला फंदा पकड़ा, 3 हो गए। इन तीनों को सिलाई से नहीं निकालेंगे, उन्हीं 3 फंदों के बीच में फिर से सिलाई डाल के 4थे फंदे को ऐसे पकड़ेंगे और 1 फंदा हम और निकालेंगे, 4 हो गए। धागा आगे गया,
दो फंदे सीधे, ऐसे धागा अपनी तरफ किया और लास्ट वाला उल्टा। दो रो हमारी कंप्लीट हो गई हैं, देख सकते हैं आप, आपको डिज़ाइन दिखना भी शुरू हो गया होगा। अब आगे जैसे हमारी पहली रो आई उसी को हम रिपीट करेंगे, ये दो तो उल्टे ही आएंगे, उल्टे आगे धागा आगे गया। अब चार फंदे हमारे जो हैं ये सीधे आएंगे, एक दो तीन और ये चार, चार फंदे सीधे आगे, फिर से ये दो फंदे उल्टे चार सीधे, ऐसे ही आपने ये तीसरी रो जो है वो लास्ट तक कंप्लीट करनी है जैसे हमारी पहली रो आई। फ्रेंड्स अब हमारी थर्ड रो आएगी, थर्ड रो वैसे ही आएगी जैसे हमारी सेकंड रो आई। इसको आगे करेंगे, दो फंदे सीधे एक और ये दो, धागा अपनी तरफ करेंगे, इन दो फंदों को पकड़ेंगे, एक और ये दूसरा, दोनों फंदों को पकड़ा इनका पहले एक किया, धागे को एक बार ऐसे सिलाई में लपेटा, दोनों के बीच में फिर से नीडल डाल के तीसरे फंदे को ऐसे पकड़ा, एक उल्टा फंदा निकाला, इनको सिलाई से नहीं निकालना है और इन्हीं फंदों के बीच में ऐसे सिलाई डाल के ये जो चौथा फंदा है इसको हम ऐसे पकड़ेंगे और एक उल्टा फंदा निकालेंगे, यानी कि चार फंदे चाहिए। तो हमारे पास चार हो गए, दिख रहे होंगे आपको ये, एक दो तीन चार, और इन चारों को ऐसे सिलाई से निकाल देंगे। फिर से धागा आगे करेंगे, दो फंदे सीधे, और उसके बाद जैसे हमने यहाँ पे बनाया इसी को हम आगे रिपीट करेंगे, जैसे हमने सेकंड रो बनाई उसी को ही रिपीट करेंगे फोर्थ रो में भी। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं चार रो डालने के बाद हमारे पास ऐसा पैटर्न जो है वो बनके तैयार होगा। फ्रेंड्स आपने इन्हीं दो रो को रिपीट करते जाना है और आपके सामने ऐसे सुंदर सा पैटर्न जो है वो बनके तैयार हो जाएगा। देख सकते हैं आप, आगे की तरफ से आपको ये ऐसा दिखेगा और पीछे की तरफ से आपको ये ऐसा दिखेगा, पीछे की तरफ से और आगे की तरफ से। फ्रेंड्स आपको मेरा ये डिज़ाइन कैसा लगा, इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप इस डिज़ाइन को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें और फॉलो करना भी ना भूलें। थैंक यू।